हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर होने वाली है, बिकॉज आज हम हेजिंग करने के उस तरीके को समझेंगे जो एक नए ट्रेडर्स को अप्लाई जरूर से ज़रूर करना चाहिए, और जिनको कुछ एक्सपीरियंस है उन्हें भी ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि गाइस देखो, हेजिंग एक होता है, बट हेजिंग करने के तरीके काफ़ी सारे अलग अलग होते हैं। तो आज हम उन तरीकों को समझेंगे, अगर आप नए हैं तो आपको कैसे हेजिंग करना चाहिए। मेन होता है गाइस ऑप्शन सेलिंग में स्ट्राइक प्राइस और हेजिंग। अगर आप गाइस ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो और आपको हेजिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आप सबसे बड़ी गलती करने वाले हो। तो अगर आपको अभी ऑप्शन हेजिंग के बारे में बहुत कम पता है या फिर नहीं पता है, तो आप ऑप्शन हेजिंग, मैंने एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, जो आपको लोग पेड कोर्सेज में बताते हैं, वो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम प्रैक्टिकली समझाया है आपको हेजिंग के बारे में। तो ये वाली प्लेलिस्ट आप जरूर देख लेना एक बार, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हेजिंग के लिए। देखो गाइस, हेजिंग जितना छोटा शब्द है ना, बट ऑप्शन सेलिंग में इसका उतना बड़ा ही रोल है। तो आज हम उस तरीकों को समझेंगे, उस तरीकों को समझने का ट्राई करेंगे कि हेजिंग करके आप कैसे एक सेफ वे में ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। बिकॉज देखो, प्रॉफिट के लिए तो सभी लोग सोचते हैं, बट नया ट्रेडर्स जो भी होता है उसे अपने लॉस के बारे में, रिस्क के बारे में भी हमेशा सोच कर चलना चाहिए। तो देखो, जाहिर सी बात है कि हेजिंग होता क्या, मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूँ अगर जो लोग नए हैं, ठीक है। तो अगर आप कॉल सेल कर रहे हो, ठीक है, तो आप एक कॉल बाई भी करोगे, इसे बोलते हैं हेजिंग। अगर आप पुट सेल कर रहे हो, ठीक है, तो आप एक पुट बाई भी करोगे, इससे ही बोलते हैं गाइस हेजिंग। ये एक प्योर हेजिंग है, परफेक्ट हेजिंग है, ठीक है। मान लो कि आप 15,000 का कॉल सेल कर रहे हो, 15,000 की स्ट्राइक का, और 15,100 की कॉल को बाई कर रहे हो, और मान लो कि आप 15,000 को पुट सेल कर रहे हो और 14,900 का बाई कर रहे हो, तो ये होता है हेजिंग। अब हेजिंग देखो, हेजिंग का क्रेज इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बिकॉज मार्जिन मार्जिन हम लगते हैं 40,000 गाइस, कोई भी ब्रोकर हो। बट अगर आप ये दोनों, जैसे कि हेजिंग के साथ अगर आप सेल करोगे इंट्राडे में, तो ये अप्रोक्स 7,000 में आपके एंजल बुकिंग में हो जाते हैं, और डिलीवरी की मैं बात करूँ तो ये अप्रोक्स 20,000 लगते हैं आपके डिलीवरी में, ठीक है। तो इसलिए हेजिंग अब मस्ट हो चुका है, अब काफ़ी सारे लोग हेजिंग में जा रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। बिकॉज ऑप्शन सेलिंग देखो गाइस प्रॉफिटेबल तो ज़रूर है, बट अगर उसे अपने रिस्क के हिसाब से मैनेज ना करके चले तो आपको बड़ा सा लॉस हो सकता है। ऑलवेज अवॉइड योर बिग लॉसेस, ठीक है, ये दिमाग में एकदम डाल लो, आपको बड़ा लॉस नहीं लेना है। अब मैं सिंपली ले चलता हूँ आपको ऑप्शन चेन की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन चेन है, ये गाइस सेंसिबल का है, फ्री में भी आप देख सकते हो, कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। देखो, अब नॉर्मली इधर के साइड पुट है, ठीक है। अब देखो, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एटीएम, ये एटीएम हो गया, एटीएम से ओटीएम की तरफ का हम लोग सेल करते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। देखो, अब हेजिंग तो हम लोग इसे सेल कर सकते हैं, एटीएम को सेल कर सकते हैं, 14,800 को बाई भी कर सकते हैं, ये भी हेजिंग ही कहलाएगी। बट देखो गाइस, ये हेजिंग जो इतना दूर का हेजिंग करेंगे आप, वो केवल और केवल मार्जिन को कम करने के लिए होता है, ठीक है। उतना बड़ा दूर अगर आप हेज करते हो, तो आप माइंड में एक चीज डाल लो कि वो केवल और केवल मार्जिन को कम करने के लिए कर रहे हो, अदरवाइज उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि ना वो आपको वोल्टिलिटी से बचाने वाला है, ना आपको डेल्टा से बचाने वाला है, ना आपको कुछ से बचाने वाला है, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज्यादा दूर हेजिंग करते हो, तो केवल और केवल मार्जिन कम करने के लिए करते हो। आप में तब क्या करेंगे आप, तब उस कंडीशन में आप अपने सेलिंग वाले, जैसे इसे आपने सेल किया है, ठीक है, और इसे बाई किया हेज के लिए, तो इसमें आपका एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा आपको, या फिर आपका एक पॉइंट होना चाहिए जहां पर आप एग्जिट करने वाले हो, अगर आपके ट्रेड अगेंस्ट जा रही है तो, ठीक है। बट देखो, अब नए जो ट्रेडर्स हैं वो कैसे हेजिंग करें, मैं उनके लिए बताऊंगा, क्योंकि नए ट्रेडर्स को काफ़ी दिक्कत होती है, जो एक्सपीरियंस होते हैं वो कहीं ना कहीं से कुछ अपना व्यवस्था कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ एटीएम की, तो देखिए नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग एटीएम को सेल करते हैं, सपोज कर लीजिए, ठीक है, एटीएम करते हैं, कुछ लोग ओटीएम भी करते हैं, ठीक है, इन द मनी ऑप्शन सेलिंग नॉर्मली नहीं की जाती है। देखो, अगर आप एटीएम निकट सेल कर रहे हो, तो अब मेरी बात समझने का ट्राई करो, अगर आप 0.5 डेल्टा, ठीक है, ये डेल्टा हो गया, डेल्टा कॉलम। अब डेल्टा क्या होता है गाइस, डेल्टा ग्रिक्स होता है ऑप्शन का, जो बताता है कि आपको कितना का प्रॉफिट है, कितना का लॉस होगा मार्केट के मूवमेंट से, ठीक है।
तो अब ये अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता होगा, तो ऑप्शन क्लिक्स करके मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है, उसमें मैंने प्रैक्टिकली समझा रखा है, ठीक है, तो उसे आप देख लेना, आपको अधिक क्लियर हो जाएगा। तो देखो, अगर आप 0.5 डेल्टा का सेल कर रहे हो, मान लो इसे सेल कर रहे हो, और बाइंग के लिए कौन सा कर रहे हो, ये वाली बाइंग कर रहे हो, तो ये मार्जिन कम करने के लिए है। इसका डेल्टा कितना है, 0.606, ठीक है। तो अब देखो 0.5 डेल्टा का मतलब क्या हुआ, अगर मार्केट जहां पर है, देखो मार्केट अभी निफ्टी फ्यूचर मान लो स्पॉट, मान लो इसे फ्यूचर मत समझो, ठीक है, मान लो कि निफ्टी अभी चल रहा है 15,348 पे, और आपने सेल कौन सा किया है, मान लो जिस भी पॉइंट पर मार्केट चल रहा हो, कोई भी पॉइंट हो, जब क्योंकि आप सेल करोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट होगा, या तो 15,500 पर हो, या 15,200 पर हो, या 15,150 पर हो, कहीं ना कहीं मार्केट होगा, चल रहा होगा, ठीक है। तो देखो इस डेल्टा का मतलब क्या हुआ, अब पुट सेल करेंगे तो कहाँ जाएगा तो प्रॉफिट होगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा। तो अगर मान लो कि मार्केट यहीं चल रहा था, ये आपका स्पॉट का प्राइस था, ठीक है, अगर आपका 100 पॉइंट मार्केट अगेंस्ट चला गया, मतलब 100 पॉइंट आपके फेवर में चला गया, समझ लो सिंपल सी मैं बात बता रहा हूँ, तो आपको कितने का प्रॉफिट होगा, आपको इसी का प्रॉफिट मिलता है गाइस, आपको 50 × जितना आप क्वांटिटी सेल किए रहेंगे उतना का प्रॉफिट होगा, अगर आप 100% मार्केट आपके रेंज में जाए, आपके फेवर में जाए तो। और वही सेम केस अगर लॉस में हो तो आपको इतने का लॉस भी होगा अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगी तो। एक अप्रोक्स नियर बाई मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में आप 110% आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो, 100% आप केवल और केवल एक्सपायरी के दिन वो जो मैक्स लॉस और मैक्स प्रॉफिट होता है वही एग्जैक्ट कैलकुलेट होता है, उसके अलावा कुछ भी 100% आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, ये देखो ये फैक्ट बात है, बट मैं आपको बता रहा हूँ अप्रोक्स, मतलब अप्रोक्स मतलब लगभग रहेगा, बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जब आप अगर नए नया ट्रेडर हो, अगर आपको कम से कम 6 मंथ से भी कम का एक्सपीरियंस है गाइस, ठीक है, तो एक बार दिमाग में डाल लो कि आपको हेजिंग करना है कौन सा, केवल और केवल 100 पॉइंट दूर। जैसे आप 15,350 का सेल कर रहे हो, तो आप बाई कौन सा करोगे, 15,250 का। तो इससे क्या होगा, देखो अब आपको प्रॉफिट कितना का होगा, मैं बता रहा हूँ, 100 पॉइंट अगर आपके फेवर में जाएगा तो 50 पॉइंट का प्रॉफिट इसमें होगा, क्योंकि इसका ये आप सेल किए रहोगे तो 50 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, तो 50 इसको प्लस कर लेता हूं मैं, और देखो ये बाई किया रहेगा आपने, तो इसका डेल्टा कितना है, इसका डेल्टा गाइस 0.34 है, ठीक है, इसमें आपको लॉस भी दिखेगा 0.34 का, तो -34 इक्वल टू प्रॉफिट कितना का होगा, 16, मतलब 100 पॉइंट अगर मार्केट आपके फेवर में जाएगा तो 16 × जितना क्वांटिटी होगा आपका, मान लो 1 लॉट होगा तो 75 कर देना, 10 लॉट होगा तो 750 कर देना, ठीक है, उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट होगा। एंड अगर 100 पॉइंट आपके अगेंस्ट भी आता है मार्केट, तो आपको 16 पॉइंट का ही लॉस होगा गाइस, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर अगर नहीं होगा तो एक बार ध्यान से थोड़ा सुन लेना फिर से, क्योंकि ये जो आप सेल जो सेल किए रहोगे उसमें तो प्रॉफिट होगा अगर आपके फेवर में जाएगा तो, लेकिन जो बाय किए रहोगे उसमें आपको लॉस भी होगा, ये गारंटेड है, ठीक है, लेकिन सेलिंग वाले में ज़्यादा प्रॉफिट होगा और बाइंग वाले में कम लॉस होगा, तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहोगे अगर मार्केट आपके रेंज में जाएगी तो, आपके फेवर में जाएगी तो। अगर इन केस मार्केट आपके अगेंस्ट आती है तो आपको लॉस भी दिखेगा। बट देखो मैं क्यों बता रहा हूँ 100 पॉइंट दूर का सिलेक्ट करने के लिए, बिकॉज देखो आप नए में ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, तो आपको जाहिर सी बात है आप गलतियाँ काफ़ी सारी करते होगे, आपके पास एक्सपीरियंस कम है, तो सीखने के लिए गाइज स्पीड कम कर दो। स्पीड कम कैसे होगा, आप प्रॉफिट एंड लॉस की आप पास का हेज कर लो, ठीक है, पास का हेज कर लोगे तो क्या होगा, आपको प्रॉफिट भी होगा तो स्लोली स्लोली होगा, धीरे धीरे होगा, और धीरे धीरे जब प्रॉफिट होगा ना तो आपका माइंड काम करेगा। अब ये बताओ मुझे आप सिंपल सी बात, मान लो कि आप ब्रेकआउट पर ही ट्रेडिंग करते हो, ये ब्रेकआउट हो गया तो आपने यहाँ पर पुट सेल कर दिया इस वाले लेवल पर, तो यहाँ से 100 पॉइंट नीचे गाइज जब आएगा तो आप जाहिर सी बात है कि आप गलत हो चुके होगे, आपकी कैसे एनालिसिस फेल हो जाएगी, और आपको ये 16 17 15 पॉइंट का लॉस देने के लिए मार्केट को मार्केट मार्केट आपके अगेंस्ट काफी आ चुका होगा, बट इतना देर रुकना नहीं है, आपका एक चार्ट पे एक लिमिट होना चाहिए। मैं मतलब बता देता हूं आपको, नॉर्मली मैं ट्रेडिंग व्यू पे ले चलता हूं, ये गाइस ट्रेडिंग व्यू का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इसे भी देख लो कैसे यूज करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी ब्रोकर हो चार्ट देखने का कोई पैसा नहीं लगता है, आप यूज कर सकते हो बिना किसी टेंशन, ठीक है। तो देखो अब देखो सिंपल सी बात, मैं अगर बात बताऊँ आपको, मैं प्रैक्टिकली समझाने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, अब मान लो कि आप सिंपल सी मैं बात बताऊँ तो मान लो कि आपको
यहाँ पर एक ब्रेक हुआ दिखता मिल गया, ठीक है, कि एक भाई साहब सपोर्ट टूट रहा है, अब क्या करोगे आप, अब आप कॉल सेल करोगे, ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस एरिया क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस एरिया गाइस जाहिर सी बात है कि इधर के आसपास का कहीं होगा, बहुत ज़्यादा होगा तो इधर के आसपास होगा जो स्विंग हाई है पीछे का, ऐसे ही नहीं करते हम लोग ट्रेडिंग, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से कितना मूव है, देखो 15,194 240 अप्रोक्स 50 पॉइंट का मूव है, और 100 पॉइंट के मूव पर अगर हम लोग का अगेंस्ट जा रहा था मार्केट तो कितने का लॉस हो रहा था, 16 पॉइंट का, तो 50 पॉइंट के मूव पर कितना होगा, 8 पॉइंट का लॉस होगा गाइज, ठीक है। देखो गाइज स्टार्टिंग के टाइम हमें लालच में आकर ट्रेड नहीं करना है, इस ट्रेडिंग हमेशा सीखने के पर्पज से की जाती है स्टार्ट, आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा वैसे वैसे आप नेकेड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाइज पहले अपने बारे में सोच के चलो, ठीक है। मैं बता रहा हूँ गाइस, अगर आप अपने कैपिटल को बचाते हुए चल रहे हो ना तो आप प्रॉफिट में कर रहे हो, अगर आपका 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 कैपिटल गेन नहीं हुआ लेकिन फिर भी आप 4-6 महीने से कर रहे हो और आपका कैपिटल जितना था उतना भी है तो आप कमा लिए गाइस, बहुत कमा लिए, बिकॉज आपने अपने कैपिटल को बचा लिया, आपका कैपिटल बचा है यानी कि आप मार्केट में सस्टेन कर रहे हो, और जो मार्केट में सस्टेन करेगा वही प्रॉफिट करेगा गाइस। देखो जल्दबाजी में ट्रेडिंग नहीं की जाती है, ट्रेडिंग में माइंडसेट जरूर होना चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ हेजिंग करने के तरीके को। तो नॉर्मली देखिए आप हेजिंग दूर भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि 100 पॉइंट दूर ही करेंगे, लेकिन हाँ अगर आपको एक्सपीरियंस कम है गाइस तो आपके लिए 100 पॉइंट एकदम परफेक्ट है स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आप 100 से 150 पॉइंट मूवमेंट पे जाना, 200 जाना, 500 चले जाना, ठीक है। लेकिन डिलीवरी में उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, डिलीवरी में अगर आप कर रहे हो तो मैक्सिमम अगर आप 150 पॉइंट या फिर 200 पॉइंट हार्डली उससे ज़्यादा मत जाना गाइस, क्योंकि फिर आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो एकदम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से हेजिंग की जाती है तो प्योर आप उसका करने का लॉजिक होता है पीछे का, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा करना तो 100 पॉइंट दूर जाना, इंट्राडे डिलीवरी दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, इंट्राडे में भी 100 पॉइंट, डिलीवरी में भी 2 पॉइंट। देखो गाइस प्रॉफिट भी धीरे होगा लॉस भी धीरे होगा, अगर आपको ये सोचो कि अगर आपको लॉस धीरे धीरे होगा तो आपका माइंड एकदम ओपन रहेगा, आप एक्टिव रहोगे, फिर आप फंसोगे नहीं फियर एंड ग्रीड में। बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है गाइस कि पहले उनको 2,000 का लॉस दिखता है फिर वो सोचते हैं कि भाई साहब अब 0 हो जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, बट ऐसा नहीं होता है, 2,000 का लॉस 5,000 में हो जाता है, फिर 5,000 का लॉस 20,000 में हो जाता है। तो अगर आप इससे हेजिंग करके बैठे रहोगे ना तो आपको कभी भी बड़ा लॉस हो ही नहीं सकता, इसकी गारंटी है, बड़ा लॉस हो ही नहीं सकता इसकी गारंटी है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं इसमें मैक्सिमम लॉस क्या होता है। अब मान लो कि 15,350 का और 15,250 का, इसे आपने सेल कर दिया, इसे आपने बाय कर लिया, तो इस टाइप का गैप कितना है, 100 पॉइंट, यानी कि 100 पॉइंट का आपको मैक्स लॉस होगा। सबसे बुरी से बुरी कंडीशन में मैक्स लॉस कब होता है गाइस, एक्सपायरी वाले दिन, ये दिमाग में डाल लो 3:00 पर, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आपको 100 पॉइंट का मैक्स लॉस होगा। अब इसमें आपका नेट क्रेडिट देखो कितना है आपका, आपने 95 का सेल किया है और 57 का आपने बाई किया, तो अप्रोक्स आपने 40 पॉइंट का नेट क्रेडिट पाया है, मतलब मैक्स प्रॉफिट आपका कितना होगा इन दोनों ट्रेड में, 42 पॉइंट का, मान लो मैं 40 ले लेता हूं, ठीक है। अब आपको ओवरऑल मैक्स प्रॉफिट कितना, मैक्स लॉस कितना हो सकता है, 60 पॉइंट का इस मैक्स लॉस होगा, ना कि आपको 100 पॉइंट का, तो ठीक है, तो 60 पॉइंट का मैक्स लॉस हो सकता है, उससे ज्यादा आपको लॉस हो ही नहीं सकता है। अगर आपको ये चीज नहीं समझ आएगा तो आप ऑफ्स्ट्रा में भी चेक कर सकते हो, ठीक है, ऑफ्स्ट्रा में भी बताओगे तो ये बताएगा, क्योंकि हमने 95 का सेल किया है एंड 57 का बाई किया है, तो नेट क्रेडिट हमें कितना मिलेगा, 40 रुपये का प्रीमियम हमें रिसीव होगा, हमने 95 का सेल किया है, 57 रुपये पे किए हैं, तो 40 रुपये जो प्रॉस हम लोगों को बचेंगे, रिसीव ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा तो जरूर बताना, एंड चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे।